रोड को अब दिन ब दिन विरोध बढ़ता जा रहा है। 30 अक्टूबर यानी पिछले 10 से 12 दिनों से इस परियोजना के खिलाफ स्थानिक एवं मच्छीमार समुदाय के लोग आंदोलन कर रहे हैं, मगर प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की दखल नहीं ली जा रही है। ऐसा आरोप उनके माध्यम से लगाया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है कोस्टल रोड परियोजना का विरोध? वर्ली के समुद्र किनारे बनाए जा रहे इस प्रकल्प में जो पुल बनाया जा रहा है, उसके कारण समुद्र में मच्छीमारी करने के लिए जाने वाले जहाजों को समुद्र में जाने में अड़चन निर्माण होगी। इन पिलर का अंतर 60 मीटर का है, मगर ये अंतर मछली पकड़ने के लिए जाने वाले जहाज के लिए पर्याप्त नहीं है। कम से कम 200 मीटर का अंतर हो, ऐसी मांग की जा रही है, मगर प्रशासन उनकी ये मांग मानने के लिए तैयार नहीं, जिस कारण स्थानीय कोली समाज पर भुखमरी का संकट मंडराने लगेगा। इसी बात को लेकर ये आंदोलन जारी है। क्या है आंदोलनकर्ताओं की प्रमुख मांगे? मच्छीमार लोगों के जहाज समुद्र में जाने के लिए रास्ता उपलब्ध करवाए। समुद्र में भराव डालने के चलते कोली समुदाय का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई को लेकर शासन सोच विचार करे। प्रकल्प पूरा होने तक मच्छीमार समुदाय को नुकसान भरपाई दी जाए। प्रकल्प से जो भी उत्पन्न प्राप्त होगा, उसकी 25% राशि स्थानीय कोली समुदाय को दी जाए। कैसा होगा प्रकल्प का स्वरूप? 10.58 किलोमीटर के प्रोजेक्ट में 3 इंटरचेंज एवं 4 पार्किंग होंगे। दक्षिण मुंबई में प्रियदर्शनी पार्क से छोटा चौपाटी तक 2 समांतर टनल बनेगी। इनमें से एक तरफ प्रियदर्शनी पार्क के समुद्र के नीचे से एवं मलबार हिल पहाड़ी के नीचे से टनल बनाई जा रही है। टनल 12.20 मीटर व्यास की बनाई जा रही है। समुद्र में सुरक्षा दीवार तैयार की जा रही है, जिसकी लंबाई 7.47 किलोमीटर है। एक स्तंभ मोनोपाइल फाउंडेशन तकनीक से बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।